वेलकम बैक मैं मनोनी तिवारी टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर आप सभी कावन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आज के सेशन में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों हम लोग जानने वाले हम लोग सीखने वाले हैं क्या चीज हम लोग वायरल मैथ के शो में आज हम लोग सीखने वाले हैं अर्थमेटिक का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैप्टर दैट इज सी आई एन एस आई है ना सो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले वायरल मैथ्स में जिसके ऊपर आप देख पा रहे बहुत ही अच्छा टैगलाइन लिखा हुआ है क्या ये ट्रिक पहले कभी ना देखी होगी ऐसा नहीं है मतलब जो मेरे बच्चे होंगे वो तो 100 परसेंसेंट देखे ही होंगे है ना यानी जो मेरे बच्चे हैं जो रेगुलर बेसिस में मुझे फॉलो कर रहे हैं वो तो देखे ही होंगे लेकिन जो नए बच्चे होंगे उनके लिए जरूर कुछ नया होगा है ना तो शुरुआत किया जाए बच्चों जल्दी से शुरुआत किया जाए शुरुआत किया जाए शुरुआत किया जाए चलिए फिर जल्दी शुरुआत करते हैं अपने तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की क्योंकि हम सभी पता है पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत ही कम सो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करें चैप्टर को लेकर के है ना क्या है चैप्टर देखो सीआई एंड है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं हम लोग जल्दी से बिना देर के देखिए हम लोग को सीआई और एस SI को पहले हम लोग को समझना होगा कि सी आई SI होता क्या है बेटा ठीक है देखना यहाँ पर समझना यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या सबसे पहले सी और एस SI है क्या सीआई और एस आई एज काइंड ऑफ इंटरेस्ट है ना टाइप ऑफ इंटरेस्ट है बच्चा यानी कि यहाँ पर यह है क्या ये इंटरेस्ट ही तो है इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज है ना जो हम लोग देखते हैं हम लोग सुनते हैं हम लोग जानते हैं कि ये होता है क्या बच्चों ब्याज होता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो एक एग्जाम्पल के तौर पे जो अपने हर सेशन में हम अपने बोल रहे होते हैं जिससे आपको आ, समझ में आती हैं चीजें वो चीज हम यहां पर एक बार फिर से दोहराएंगे जो बच्चे पुराने होंगे उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा सारी बातें मान लेते हैं कोई पर्सन ये है जिसका नाम हम रख देते हैं क्या जिसका हम नाम रख देते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम लोग क्या राम राम ठीक ठीक है 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 मान लो ये व्यक्ति और इसको अचानक से कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी ठीक है तो ये कहा जाएगा अपने दोस्त के पास जाएगा बोलो हा अपने दोस्त के पास जाएगा तो राम किसके पास गया राम गया अपने दोस्त के पास ठीक है राम गया अपने दोस्त के पास जिसका नाम था क्या मान लेते हैं इसका नाम था रावण ठीक है रावण देखो आज के कलयुग में राम और रावण की दोस्ती भी संभव है ना मतलब ऐसा नहीं कि राम और रावण दोस्त नहीं हो सकते ठीक है राम गया अपने दोस्त के पास रावण के पास जिसके पास कई सर थे ठीक है? ठीक है है कई सर देखो पर बना देते हैं तो ये राम गया अपने दोस्त रावण के पास क्योंकि उसको कुछ पैसों की जरूरत थी तो रावण के पास गया कि भाई कुछ रुपए हमको दे दो बहुत जरूरत है तो रावण ठहरा रावण है ना तो रावण ने दिया जरूर बिल्कुल है ना रावण ने दिया कितना रुपए दिया बच्चों रावण ने दिया सौ रुपए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है रावण ने कितना दिया राम को रावण ने राम को दिया सौ रुपए बिल्कुल दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और साथ में यह भी कहा कि भाई तुझे तुरंत वापस करने की जरूरत नहीं है तो मुझे कब वापस करना तो मुझे कब वापस करना तो मुझे वापस करने आना एक साल बाद यानी कि आफ्टर वन ईयर क्लियर है बोलो हाँ याना? एक साल बाद मुझे तुम वापस करने आना लेकिन क्योंकि ठहरा मैं रावण

बात समझ रही है तो यहां पर आपको क्या चीजें सीखने को मिली तो अब आपको यहां पर ये चीजें सीखने को मिली बच्चों यहां पर आपको ये चीजें सीखने को मिली कि जितना रुपए राम ने रावण से लिया जितना रुपए राम ने रावण से मांगा वो क्या था बेटा वो क्या था वो था हमारा सौ रुपए और इसी को हम लोग कहते हैं बेटा प्रिंसिपल यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं मूलधन बोलो हाँ या ना

तो ये दस रुपए जो एक्स्ट्रा है यानी कि जितना रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा बहुत ध्यान सुनिएगा। ये जो दस रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा ये क्या है ये जो एक्स्ट्रा मनी आपको देना पड़ता है इसी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं बात समझ आगे बोलो हाँ या ना? जो एक्स्ट्रा मनी आपको देना पड़ा बच्चा जो एक्स्ट्रा मनी है ना जो एक्स्ट्रा मनी आपको पे करना पड़ा दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट तो जब भी आपसे कोई पूछे कि इंटरेस्ट क्या होता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं ब्याज होता है ये होता होता है है वो मतलब अलग अलग ही अलग उनकी डिफाइन चल रही होती है ना तो आपको आज के बाद एक स्ट्रॉन्ग डिफिनेशन हम आपको दे रहे हैं जो कभी भी कोई गलत नहीं प्रूफ कर सकता दैट इज एक्स्ट्रा मनी टू बी पेड कोई अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे क्या एक्स्ट्रा मनी टू बी पेड इज कॉल्ड क्या इज कॉल्ड इंटरेस्ट क्लियर हो गया एक्स्ट्रा मनी टू बी पेड इज कॉल्ड इंटरेस्ट ठीक है बहुत बढ़िया बहुत शानदार <clears throat> अब देखो ध्यान से अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसको एक्स्ट्रा मनी टू बी पेड इज कॉल्ड इंटरेस्ट तो यहां पर आपको सारी बातें क्लियर हो गई प्रिंसिपल क्या होता है जितना रुपए उधार लिया जाए ठीक है टाइम जितने समय के लिए हमने उधार लिया ठीक है इंटरेस्ट क्या होता है जितना रुपए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़े है ना और जब हम लोग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं आपस में तो हमारे पास अमाउंट बन जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट बन जाता है ओके ठीक है अच्छा ये बताओ आपको एक्स्ट्रा मनी कितना रुपए देना पड़ा एक्स्ट्रा मनी कितना रुपए देना पड़ा हमने कैसे दस रुपए देना पड़ा ठीक है दस रुपए हमें एक्स्ट्रा मनी देना पड़ा क्यों देना पड़ा क्यों देना पड़ा किसकी वजह से देना पड़ा तो हमने सौ रुपए उधार लिया था उसकी वजह से हमने दस रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है सौ रुपए पर हमको दस रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है रिपीट सौ रुपए पर हमें दस रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा पड़ा सौ रुपए पर यानी सौ रुपए को नीचे रखो और उस पर टेन को बैठा दो है सौ रुपए पर दस रुपए देना पड़ा यानी कि दस बटे सौ हो गया अगर हम इसको सौ से गुड़ा कर दे अगर इसे हम सौ से गुड़ा कर दें तो वैल्यू क्या आएगी वैल्यू प्रतिशत में आएगी दैट इज परसेंट और ये टेन परसेंट क्या होगा यही होता है बच्चों क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो आप उधार यानी कि जो आप उधार लिए थे उस पर आपको कितना ब्याज देना पड़ रहा है उसी का जो रेशियो होता है उसी को अगर हम सौ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रतिशत बनेगा उसे हम लोग कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर हो गया कोई डाउट नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं क्लैरिटी बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया तो ये जो देख रहे हो आप ये जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा सीन ये हो गया हमारा इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं ना अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितने प्रकार का है

सिर्फ प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है एवरी ईयर यानी कि इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन

कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल एवरी ईयर प्रिंसिपल एवरी ईयरुलेट होगा ही एज वेल एज एज वेल एज इंटरेस्ट रिसीव एवरी ईयर होगा उस पर भी यह कैलकुलेट होगा क्लियर हो गया इंटरेस्ट रिसीव एवरी ईयर यानी कि जो इंटरेस्ट मिल चुका होगा उस पर भी यह कैलकुलेट होगा हो यानी कि, कि शॉर्ट में लिखे तो यह जो ब्याज है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर ही चार्ज होता है हर साल लेकिन यह जो ब्याज है यह प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों पर कैलकुलेट होता है क्लियर हो गया अच्छे से यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर अच्छे से है ना तो चलो बहुत शानदार बात हमने यहां तक तो चीजों को समझ लिया हम एक क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि आज का क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा आपके माइंड को क्लियर करते हुए हम एक क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि आप ज्यादा अच्छे से एक पिक्चर क्लियर कर पाओगे अपने आपको यानी कि देखो ध्यान से यहां पर मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है बच्चों ध्यान से देखना मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है हमने कहा सर प्रिंसिपल है एक हजार रुपये बहुत ध्यान से देखना प्रिंसिपल है एक हजार रुपए समय है दो साल का और 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 रेट कितना बच्चों रेट मान लेते हैं टेन परसेंट है टाइम दो साल का है आपको निकालना क्या क्या है आपको निकालना है एसआई SI. और आपको निकालना है सीआई यानी कि कंपाउंडर एक क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ ठीक है एक क्वेश्चन कराएंगे दोनों मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो सिखाया अभी वो क्या कहना क्या, क्या, क्या चाह रहा है यानी कि एस SI आई जो होता है वो किस पर कैलकुलेट होता है वो ऑलवेज प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है लेकिन सीआई के साथ क्या है सीआई के साथ दो चीजों पर यानी कि प्रिंसिपल पर तो हर साल कैलकुलेट होगा और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट मिल चुका होगा उस पर भी कैलकुलेट होता है ठीक है ना तो एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा सी आई और एस आई क्लियर ठीक है बहुत बढ़िया ध्यान देखो यानी कि प्रिंसिपल कितना एक हजार है समय है दो साल यानी कि हमें एस आई कैलकुलेट

क्योंकि ये धूर्त है ये लालची है ये प्रिंसिपल से भी ब्याज लेगा और ब्याज से भी ब्याज लेगा तो कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना सर, है है बच्चों हमने कहा सर ठीक पहले साल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल ने अपना टेन परसेंट होता है हमने कहा सर सौ होता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं लगा दूसरा साल तो फिर से शुरुआत हमेशा प्रिंसिपल करता है प्रिंसिपल हर साल देगा याद रखना प्रिंसिपल हर साल देगा और जो इंटरेस्ट मिल चुका होगा वो भी अपना हर साल देगा ठीक है यानी कि प्रिंसिपल ने अपना फिर से टेन दिया शुरुआत हमेशा प्रिंसिपल करेगा यानी कि फिर से

क्लियर <sighs> हो गया किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं कोई कंसूनिक क्लैरिटी बोलो हाँ या ना यानी कि एसआई SI हमारा 200 है सीआई हमारा 200 दस हो गया अच्छा ये बताओ मुझे जल्दी से कि यहां पर सीआई बड़ा क्यों आता है हमेशा यानी कि वाई सी आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एस आई कौन बता पाएगा कि वाई सी आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एस आई कौन बताएगा सबसे पहले मेरा सवाल है बच्चों कि वाई सी आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एस आई इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो एस SI आई होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर चार्ज होता है लेकिन जो सी आई होता है बच्चों जो सी आई होता है वो प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों पर चार्ज होता है यानी कि यहां पर यहां पर कमासुद व्यक्ति ज्यादा है जो ब्याज ला के देंगे वो ज्यादा है यहां पर प्रिंसिपल भी कमा कि कमाने वाला फैमिली मेंबर है और जो इंटरेस्ट है वो भी कमाने वाला फैमिली मेंबर है यानी कि वो भी ब्याज देता है इसलिए यहां पर लोग ज्यादा है तो यहां पर इनकम ज्यादा है क्लियर है तो यहां पर क्या है बच्चों यहाँ पर डिफरेंस है यहां पर सिर्फ और सिर्फ अच्छा अगर सवाल आपसे ये पूछे हम कि किस ईयर कि का ब्याज दोनों में समान होता है कौन बताएगा सबसे पहले किस ईयर का ब्याज दोनों में समान होता है किस ईयर का ब्याज दोनों में समान होता है जल्दी बताओ किस ईयर का ब्याज दोनों में समान होता है ईयर का ब्याज दोनों में समान होता है कौन होता है सबसे पहले हमने कहा सर दोनों का देखो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है ये सौ है और यहां पर फर्स्ट ईयर का ब्याज देखो सौ है तो यानी कि याद रखिएगा एस आई ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्व टू है ना यानी कि इक्वल होता है इज इक्वस टू सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर रीजन क्या है इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चों रीजन ये है रीजन ये है रीजन ये, ये होता है क्योंकि दोनों ही देखो पहले साल की अगर हम बात करें तो दोनों ही सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही चार्ज हो रहे हैं पहले साल है ना सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही चार्ज हो रहे हैं इसीलिए पहले साल का जो ब्याज होता है वो सेम होता है एस आई ओ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू सी आई ओफ फर्स्ट ईयर ठीक है आपने इनको समझ लिया ओके okay, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से आपने ध्यान रखना होगा एक चीज की एस आई का फॉर्मूला क्या होता है एस आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड

अमाउंट में से अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना होगा ठीक है तो अमाउंट यहां से निकालोगे उसके बाद अमाउंट निकल आएगा तो उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे आपको सीआई मिल जाएगा तो ये दो फॉर्मले आपको अच्छे से याद रखना होगा ठीक है बच्चों ओके तो ये दोनों फॉर्मले आपको अच्छे से याद रखना होगा यानी कि एक एस SI आई का फॉर्मला एक एस SI आई का फॉर्मला और एक सी का फॉर्मला तो ये रहा सी का फॉर्मला ठीक है चलो क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से परफॉर्म करें सारे बच्चे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से परफॉर्म करें सारे बच्चे बिना देर किए क्योंकि क्वेश्चन के जो आपने आज का जो सेशन देखा होगा उसमें साफ लिखा होगा कि कि उसमें साफ लिखा होगा आपने नोटिस किया होगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग से से बेसिक से आपने समझना है इसलिए मैंने आपको समझा दिया अच्छे से क्वेश्चन है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स थ्री टाइम्स ऑफ इट इन एट इयर्स इन हाउ मच टाइम इट विल बी टू फोर्टी थ्री टाइम्स ऑफ इट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कोई सम है कोई प्रिंसिपल है बच्चों कोई प्रिंसिपल है जो थ्री टाइम्स हो गया अपना यानी कि कोई प्रिंसिपल था जो थ्री टाइम्स हो गया यानी कि थ्री पी हो गया कोई प्री, कोई पी था जिसका तीन गुना यानी कि अपना थ्री टाइम्स हो गया यानी कि थ्री पी हो गया तो जो हो जाता है जब भी क्वेश्चन में बोला जाए बिकम्स तो यानी कि ये क्या है ये अमाउंट है यानी कि प्रिंसिपल कितना अमाउंट बन गया तीन पी है ना थ्री पी हो गया ठीक है क्वेश्चन ने पूछा है कितने सालों में हमने कहा सर एट ईयर्स में क्वेश्चन है इन हाउ मच टाइम इट विल बी टू फोर्टी थ्री टाइम्स ऑफ इट ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा सीआई का है एट द रेट ऑफ सीआई इसके आगे लिख दो एट द रेट ऑफ सीआई है ना इसके आगे लिख दो एट द रेट ऑफ सीआई

समझते हैं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन में तो पहला जो हमें पार्ट गिवन किया गया है उसको अगर हम यूज करें फॉर्मला हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि कोई प्रिंसिपल था हमें फॉर्मला पता है ना फॉर्मला क्या होता है A P, R की पावर टाइम है ना तो यानी कि अमाउंट कितना है पहले केस में हमने कहा थ्री पी है प्रिंसिपल कितना है हमने कहा सर पी है बहुत बढ़िया वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर कितना है? टाइम की जगह पर क्या लिखेंगे सर आठ लिख देंगे है ना देखो अमाउंट की जगह पर क्या है थ्री पी है अमाउंट कितना है थ्री पी है प्रिंसिपल कितना है पी है टाइम कितना हमने कहा सर एट ईयर है पी ने पी को मार दिया यानी कि वैल्यू क्या है हमने कहा थ्री इज इक्वल टू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर एट अब सवाल क्या पूछा गया आपसे सवाल ये पूछा गया है कि यही सेम प्रिंसिपल टू फोर्टी पी कब हो जाएगा यानी कि अमाउंट की जगह पर हम क्या लिखेंगे अमाउंट की जगह पर हम लिखेंगे टू पी

टी बन गया यानी हमें फाइन क्या करना है हमें तो ये टी निकालना है ना हमें ये टी निकालना अच्छा ये बताओ बच्चों हम इस थ्री में क्या करें

फाइव कर देते हैं यानी कि अगर हम इसकी पावर फाइव कर देंगे तो हमें इसकी भी होल पावर फाइव करनी पड़ेगी बोलो हाँ या ना? या ना? तो जैसे आपने थ्री पावर फाइव किया ये क्या हो जाएगा ये टू फोर्टी थ्री हो जाएगा लेकिन अंदर यहां क्या आएगा वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर एट और फाइव का प्रोडक्ट हो जाएगा कि कि देखो ध्यान से अब आपको दिख रहा होगा इधर टू फोर्टी थ्री है इधर लेकिन यहां पर क्या है बच्चों यहां पर चालीस है और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टी चालीस को रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल कोई डाउट? कोई डाउट, कोई क्लैरिटी अच्छे से बिल्कुल क्लियरिटी है बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत प्यारे क्वेश्चन है ना सारे ये एग्जाम में आते तो क्वेश्चन बच्चे हिल जाते एकदम ठीक है समझ में आ गया अच्छे से किसी को कोई डाउट नहीं कोई क्लैरिटी बोलो हाँ ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैंने क्या बोला मैंने कहा यहां पर थ्री था यहां पर टू फोर्टी थ्री था हमें टी की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर थ्री में क्या करें कि करेंगे थ्री हो जाए तो हमने कहा सर थ्री पावर फाइव कर देते हैं यहां पर फाइव तो हमने कहा सर यहां पर ही फाइव करना पड़ेगा तो ये थ्री की पावर फाइव क्या दे दिया टू फोर्टी थ्री लेकिन यहां पर एट ने फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू कितनी आ गया चालीस आई अब इधर टू फोर्टी थ्री इधर भी टू फोर्टी थ्री इधर वन प्लस आर पान हंड्रेड वन प्लस आर पॉन हंड्रेड लेकिन यहां पर फोर्टी आ चुका और यहां पर क्या टी यानी कि टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टी चालीस को रिप्रेजेंट कर रहा है आंसर विल बी फोर्टी करेक्ट अगला क्वेश्चन किया जाए समझ में आ गया अच्छे से कोई डाउट नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं बहुत शानदार बहुत शानदार आंसर कितना आ चुका है आंसर आ चुका है बच्चों चालीस साल ठीक है आंसर आ चुका है चालीस साल आंसर आ चुका है साल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बहुत ध्यान समझना यानी कि क्वेश्चन किसका है ये क्वेश्चन तो सीआई का है ठीक है याद रखना है इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन है किसका ये क्वेश्चन सीआई का पूछा गया है ठीक है ओके एट द रेट ऑफ सीआई इसको नोट कर लेना अपने एग्जाम अपने कॉपी में ठीक है देखो ध्यान से क्वेश्चन ने कहा था कि कोई प्रिंसिपल है जो तीन गुना हो जाता है कितने वर्षों में कितने वर्षों में आठ वर्षों में इसका आंसर कितना आया है इसका आंसर चालीस साल आया है ठीक है इसका आंसर चालीस साल आया बहुत ध्यान से देखना यहां पर हम क्या लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे गुना यहां पर हम लिखेंगे गुना यहां लिखेंगे समय कितने समय में ठीक है ध्यान से देखो यहां पर तीन गुना हो जा रहा है यहां लिखो तीन गुना कितने वर्षों में हमने कहा सर आठ वर्षों में ठीक है बोलो हाँ मैंने कहा तीन गुना हो जा रहा है कितने वर्षों में हमने कहा सर आठ वर्षों में दो गुना हो जाएगा

थ्री की पावर फाइव लिख सकते हैं बोलो हाँ या ना यानी कि तीन गुना हो रहा है आठ वर्षों में है ना तीन गुना हो रहा है आठ वर्षों में तो पूछा गया कितना टू फोर्टी थ्री टाइम्स हो जाएगा कितने वर्षों में यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको है ना एक्स लिखा जाए या टी लिख दिया जाए जैसे कि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी ना यानी कि ये टी निकालना आपको ठीक है तो हमने कहा 243 को भी आपको इसी इसी बेस में रखना यानी कि ध्यान रखना ये जो थ्री है और ये जो बेस है यानी कि बेस सेम होना चाहिए है ना बेस आपका सेम होना चाहिए और हमेशा सेम होगा भी बेस आपका सेम होना चाहिए ठीक है यहाँ पर थ्री की पावर फाइव है यहाँ पर थ्री की पावर वन है तो याद रखना ये जो पावर आप देख रहे हो नीचे वाली ये पावर सीधे से जाके मल्टीप्लाई कर जाएगी और ये जो वन देख रहे हो ये नीचे आके डिवाइड कर जाएगा और आंसर किसका आ जाएगा आंसर आ जाएगा टी का यानी कि टी इज इक्वल टू एट को हम फाइव से मल्टीप्लाई देंगे।, देंगे तो आंसर कितना आ गया कुछ और आपको करने की जरूरत नहीं है विद इन आपने क्वेश्चन को, को सॉल्व कर दिया क्लियर है अच्छे से किसी बच्चे कोई डाउट नहीं किसी बच्चे कोई डाउट नहीं कंफ्यूजन नहीं क्लैरिटी बोलो हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार चलो फिर इसी बात पर इसी बात पर अगला क्वेश्चन करते हैं और ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा ना ये भी क्वेश्चन सोल्व करें सारे बच्चे जल्दी से क्या बात है बहुत प्यारा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से परफॉर्म करें सारे बच्चे बहुत तेजी के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करें वायरल दीपिका क्या बात है बहुत शानदार <laughs>

सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इट यानी दो गुना कितना गुना हो जा रहा है हम कहेंगे सर, दो गुना हो जा रहा है। कितना गुना हो जा रहा है हमने कहा सर, दो गुना. कितने समय में तीन सालों में है ना कितने समय में बच्चो? तीन सालों में कितने समय में हमने कहा सर, तीन सालों में ठीक है क्वेश्चन ने पूछा इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ यानी कि 64 है ना 64 गुना कितने समय में हो जाएगा यानी कि टी निकालना है तो याद रखना 64 को भी आपको इसी फॉर्म में ब्रेक करना है कि बेस सेम हो जाए तो यहां पर 2 की पावर 1 है ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है उसका फिर से दो से गुणा करते हैं यानी कि 2 की पावर 6 हो जाएगा यहां पर 2 की पावर 6 हो जाएगा 64 ठीक है बेस मस्ट बी सेम याद रखिएगा बेस सेम होना चाहिए इधर भी टू है इधर भी टू क्या करेंगे अब? अब इस को उठा के यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वन से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे यहां पर हम डिवाइड करेंगे इससे हम गुला कर देंगे तो वैल्यू किसकी आएगी बच्चों वैल्यू आएगी टी टीव टू सिक्स मल्टीप्लाइड बाई वन आंसर विल सभी बच्चों का आंसर आ गया क्या बात है बहुत शानदार बहुत शानदार तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आपने सीखा सीआई को लेकर के है ना सीआई का एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यानी कि एक नहीं दो क्वेश्चन है ना दो क्वेश्चन आपने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपने सीखे और बहुत ही प्यारे कंसेप्ट आपने देखे यहां पर है ना तो हिंदी में रॉन्ग है नहीं यदि एक निश्चित राशि तीन वर्षों में आठ गुना हो जाती है ओके यानी कि पिछला क्वेश्चन का ही आ गया ना हिंदी में रॉन्ग है कोई बात नहीं तीन वर्षों में तीन वर्षों में डबल हो जाती है दो गुना होनी चाहिए था ना आठ गुना नहीं दो गुना हो जाती है दो गुना हो जाती है कितने समय में ये स्वयं का चौंसठ गुना हो जाएगी यानी सिक्सटी फोर तो दो गुना हो जाएगी ठीक है ना तो ये था जबरदस्त क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया <sighs> क्लियर है तो सेशन को हम यहीं पर सेशन को हम यहीं पर शानदार कंसेप्ट है क्या बात है बहुत बढ़िया तो सेशन को हम यहीं पर क्लोज करते हैं बच्चों जबरदस्त क्वेश्चन था आपने सीखा तो इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है हमारे साथ इंपॉर्टेंट बातों में तो हम आपको बता दें बच्चों कि आज भी आज भी आप देखोगे तो आज भी आपको टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट पर आपको 27 परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है तो अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कर लो क्योंकि लगातार बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं है ना तो अगर आपने एनरोल नहीं किया तो कहीं ना कहीं अब अब आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होते हैं पता है कि हम बाद में करेंगे हम बाद में करेंगे जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तो वहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है बेटा क्योंकि सिलेबस पूरा हो जाने में और मॉक पेपर में स्पीड अचीव करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है आज से क्वेश्चन शुरू करो करना आपको सिलेबस पूरा हुआ है नहीं हुआ है कुछ तो आ रहा होगा ना कुछ तो अटेम्प्ट करोगे तो वहां से स्पीड के साथ और अप्रोचेस के साथ और कह सकते हो टाइमिंग के साथ आपका एक तालमेल बैठेगा तब जाकर के हाई स्पीड आप गेन कर पाओगे राइट तो मेरा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आज अगर आपने इनरोल नहीं किया बच्चों प्लीज़ कर लो ट्वेंटी का स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है वाई कोड के साथ है ना आपके एग्जाम के साथ भी है एग्ज़ाम के

एट बुक्स का कलेक्शन मिलेगा एस की तीनों बुकें होंगे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव आई कंप्रीशन भी होगा आपके पास ना कोड लगा देना वाई थ्री नाइन टू एस ठीक है और फाइनली अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें आपको डे, डेली बेसिस पर हम आपको बताते हैं पता ही आपको है ना कि रुद्राक्ष बैच भी है जिसमें एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक की आपकी आर्थमेटिक डिस्कस होती है इसमें भी आप लोग इनरोल कर सकते हो वाई थ्री नाइन टू के साथ ये और जो एस कॉन की ई बुक है आपको फ्री मिलेगी आई डी बी आई बैंक में अगर इनरोल नहीं किया तो कर लो क्योंकि अपॉर्चुनिटी बड़ी है तो मिस नहीं होनी चाहिए और कहीं पर भी कोई छोटी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए आर आई पी ओ कलर का भी बैच आ चुका है इसमें भी आप लोग कर सकते हो कोड है क्या बेटा ठीक है और अगर हम सजेस्ट करेंगे तो हमसे अगर पूछोगे तो हम कह सकते हो स्ट्रॉंगली रिकमेंड करेंगे कि आपके पास बैंक महापैक होना चाहिए क्योंकि सारे बैच फिर उसमें आपके हो जाते हैं और साथ में आपको लगभग चार हजार जैसी अधिक संख्या में मॉक पेपर्स भी मिल जाते हैं आपको फिर बैंक प्राइम टेस्ट पैक लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसी में आपको लगभग चार मॉक पेपर्स मिल जाते हैं ठीक है तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो कोड क्या रहेगा बेटा कोड रहेगा टू। तो सेशन को बच्चों हम यहीं पर क्लोज करते हैं बता दें शॉर्ट ट्रिक्स यानी कि वायरल मैथ्स में मालूम ही आप लोग को है ना वायरल मैथ्स मैथ्स में वायरल लेकर आ रहा है शॉर्ट ट्रिक्स का योगा जिसमें कि वन से लेकर के हंड्रेड एपिसोड तक जितने भी आपके शॉर्ट ट्रिक्स ने सीखे हैं वो सारे एक वीडियो में आपको देने की कोशिश की जाएगी ठीक है तो इसमें भी आप लोग इनरोल कर सकते हो तो कब है मतलब इनरोल नहीं करना जुड़ना है आपको ट्वेंटी जून एट सिक्स एम पर ठीक है तो वायरल महस भाई नवनीत सर ये टेलीग्राम आईडी है अगर इसमें आपने इनरोलो नहीं किया तो कर सकते हो वायरल महेश भाई नवनीत सर की टेलीग्राम आईडी डी इसमें आप ज्वाइन कर लो सारे बच्चे और सेशन को हम यहीं पर क्लोज करेंगे अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो के लिए लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लो मतलब अगली क्लास आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना वरना नोटिफिकेशन नहीं आता फिर आपके पास तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो नोटिफिकेशन वाले जिससे कि नोटिफिकेशन पहुंच सके कमेंट करके आप आउट ऑफ फाइव स्टार और भर भर के तारीफ कर सकते हो सेशन की जिससे कि हम और मोटिवेट करके आपको ऐसे सेशन लगातार देते हैं तो सेशन को यहीं क्लोज करते हैं तब तक आप लोग पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे देखते रहे सीखते रहे ट्वेंटी फोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ और रुद्राक्ष द मैथ फाउंडेशन बैच के साथ थैंक यू सो मच जय हिंद